आज हम फ्रिक्शन स्पिनिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है? ये एक ओपन एंड स्पिनिंग के अंतर्गत आने वाली प्रोसेस है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहले फाइबर्स को इंडिविजुलाइज किया जाता है, डायफ्राम स्लाइवर को इंडिविजुलाइज किया जाता है, फिर इसके बाद उन्हें रीअसेंबल करके यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। इसीलिए इसे हम ओपन एंड स्पिनिंग में रखते हैं। अब इसमें जो यार्न का फॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है? इसमें दो सक्शन रोलर लगे हुए हैं जिसके ऊपर फाइबर का फ्लो डाला जाता है। ये जो रोलर हैं, एक क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और यार्न उन दोनों रोलर के फ्रिक्शन के कारण घूमता है, रोटेट होता है। तो यार्न इन दोनों रोलर के फ्रिक्शन के कारण अपना नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है और इसमें ट्विस्ट पड़ता है। अब ओपन फाइबर है, जब वो इन परफोरेटेड ड्रम पे गिरे, एयर निकाल दी गई, अब ये कलेक्ट हो गए इन दोनों ड्रम के बीच में। जब ड्रम के बीच में कलेक्ट हो गए तो ये एक जो रोलर है, ये वाला रोलर अपना क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये वाला रोलर अपना ये वाला रोलर अपना एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये वाला रोलर अपना क्लॉकवाइज घूम रहा है, और जो यार्न है हमारा, ये भी हमारा नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। यार्न घूमेगा तो इसमें ट्विस्ट पड़ेगा। यहाँ ऐसे फाइबर गिर रहे हैं, अब यहाँ पे परफोरेटेड ड्रम है तो यहाँ पे एयर इन परफोरेशन के थ्रू पास आउट हो जाती है, फाइबर कलेक्ट हो जाते हैं इनकी सरफेस पे, ड्यू टू इनके रोटेशन के कारण यार्न में ट्विस्ट पड़ जाता है। तो जब यार्न में ट्विस्ट पड़ जाता है, फिर ये यार्न ड्रॉ कर लिया जाता है, क्रॉस बाउंड पैकेज में कलेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से स्पिनिंग प्रोसेस होती है। अब इसको हमने डिटेल में किस हिसाब से दिखाया गया, ये परफोरेटेड रोलर्स हैं, तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, ये वाला परफोरेटेड रोलर अपना घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये वाला परफोरेटेड रोलर जो घूम रहा है वो हमारा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ये वाला रोलर हमारा ये भी वाला भी रोलर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। दोनों रोलर अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, और जो यार्न है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा इनकी रोटेशन के कारण। तो जो जब यार्न एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो इसके कारण यार्न में ट्विस्ट पड़ेगा। अब हम इसका टेक्नोलॉजिकल डिसएडवांटेज की बात करें, जितना यार्न का डायमीटर ज़्यादा होगा, यार्न का जितना बड़ा डायमीटर होगा उतना ही वो इन रोलर के कॉन्टैक्ट में आएगा। तो जो ट्विस्ट जो इम्पार्ट कर रहा है, ट्विस्ट इम्पार्ट कर रहा है उतना इफेक्टिवली इम्पार्ट करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा यार्न का उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। तो क्योंकि जो यार्न घूम रहा है वो इन दोनों रोलर के फ्रिक्शन के कारण घूम रहा है, इसलिए जितना मोटा यार्न होगा, जितना कोल्सर यार्न होगा, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण जो ट्विस्ट इफेक्टिवनेस है, ट्विस्ट इंसर्शन की इफेक्टिवनेस है, कोल्सर यार्न में ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू फाइनर यार्न। इसलिए ये फ्रिक्शन स्पिनिंग प्रोसेस है, ये अपने कोल्सर यार्न के लिए एडवांटेजियस है। अब हम बात करते हैं कितने टाइप की फ्रिक्शन स्पिनिंग होती है। ड्रैप सेकंड, ड्रैप थर्ड, ड्रैप 2000 और मास्टर स्पिनर, ये फ्रिक्शन स्पिनिंग की मशीनें हैं। हम एक एक करके मशीनों को डिस्कस करेंगे। ड्रैप सेकंड, ये
बेसिक फ्रिक्शन स्प्रिंग मशीन है, जिसमें क्या है, इसमें एक इनलेट सिस्टम है जिसके द्वारा हम स्लाइवर को ड्राफ्ट दे सकते हैं। स्लाइवर को बहुत हाई ड्राफ्ट दिया जाता है, जिससे स्लाइवर मोस्टली टूट ही जाता है, मतलब हाई ड्राफ्ट के कारण। मतलब ये पहला प्रोसेस है स्लाइवर ओपनिंग का। फिर इसके बाद जो ड्राफ्ट स्लाइवर है वो किस में जाता है, एक रोटेटिंग कार्डिंग ड्रम में चला जाता है, फीड कर दिया जाता है, जिसके ऊपर साटूथ है। अब ये क्या करता है, ये कार्डिंग ड्रम क्या करता है, जो स्लाइवर को इंडिविजुअल फाइबर में तोड़ देता है। अब हमें इस कार्डिंग ड्रम से हमें फाइबर को निकालना है, क्योंकि ये आगे जाके हमें जो परफोरेटेड ड्रम्स हैं जिनके द्वारा हमें फ्रिक्शन स्प्रिंग करनी है, उनके ऊपर हमें ले जाना है। तो इसमें क्या है, एक नॉर्मली एक ब्लोअर लगा रहता है जिससे एयर स्ट्रीम निकलती है। एयर स्ट्रीम क्या करती है, कार्डिंग ड्रम के ऊपर से एक तो कार्डिंग ड्रम घूम रहा है तो उससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी फाइबर बाहर आ रहे हैं, और ये ब्लोअर उसे असिस्ट कर देता है, जिससे सारे फाइबर जो कार्डिंग ड्रम से बाहर आ जाते हैं। फिर इनको, इन जो फाइबर को है वो परफोरेटेड ड्रम के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जब ये परफोरेटेड ड्रम के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जो दोनों परफोरेटेड ड्रम क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, और इसके ऊपर जो जब फाइबर इकट्ठे होते हैं और जो एयर है वो जो फाइबर में एयर है वो नॉर्मली परफोरेशन के माध्यम से बाहर आ जाती है, और फाइबर इकट्ठे होकर ड्रम से चिपक जाते हैं। जब फाइबर इकट्ठे हो जाते हैं तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ ड्रम इसमें क्या है, जो ये दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, इसके ऊपर जो फाइबर कलेक्शन होगा, फाइबर कलेक्शन होने के बाद अपना ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यार्न घूमेगा और ट्विस्ट पड़ेगा। अब ये जो यार्न है ये आगे जाके विड्रॉल रोलर के माध्यम से ड्रॉ कर लिया जाएगा। अब यहाँ यार्न का जो ब्रश टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, जो हमने ओपन एंड का बेसिक प्रिंसिपल जो हमने पहले वाला लेक्चर पढ़ाया था उसमें बताया हुआ था, ब्रश टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या करता है, फाइबर को कलेक्ट कर अपने एंड पे कलेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि इसमें ट्विस्ट पड़ रहा है। तो धीमे धीमे जैसे जैसे फाइबर यहाँ पे कलेक्ट होते जाते हैं, और ये जो एंड है ये इन फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करके और ट्विस्ट करके आगे फॉरवर्ड करता जाता है, विड्रॉ होता जाता है। इस प्रकार से स्पिनिंग प्रोसेस ये चलती रहती है। हम ड्रीम थ्री की बात करें, ड्रीम थ्री प्रोसेस 1981 में मार्केट में इंट्रोड्यूस की गई, और इसमें क्या है, इसमें जो यार्न का स्ट्रक्चर है वो कोर सी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। मतलब कोर में स्ट्रेट यार्न रहेगा, स्ट्रेट फाइबर रहेंगे, और ऊपर कवरिंग में जो रहेगा वो फ्रिक्शन स्प्रिंग वाले फाइबर रहेंगे, जो कवरिंग या सीथ का काम करेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें दो ड्राफ्टिंग सिस्टम है। एक ड्राफ्टिंग सिस्टम क्या है, कोर फाइबर के लिए है, ये ड्राफ्टिंग सिस्टम जो अपना कोर फाइबर के लिए। दूसरा ड्राफ्टिंग सिस्टम है यहाँ पे जो ओपनिंग का काम कर रहा होगा, जो फाइबर को ओपन करने का काम कर रहा होगा, बेसिकली ये इसमें बहुत हाई ड्राफ्ट होगा, और फिर इसके बाद इसमें ओपनिंग रोलर लगा होगा, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड होगा ट्रांसपोर्ट डक्ट से। ट्रांसपोर्ट डक्ट ये परफोरेटेड ड्रम के ऊपर फाइबर को फेंक रहा होगा। तो यहाँ से जो फाइबर आएंगे वो कवरिंग या सीट के लिए फाइबर आएंगे, और यहाँ से जो ड्राफ्टिंग सिस्टम है वो नॉर्मली नॉर्मल ड्राफ्टिंग सिस्टम है, जैसे ड्राफ्ट फ्रेम में होता है, इसमें भी ड्राफ्ट दिया जाएगा, और जो नॉर्मल स्लाइबर है उसको ड्राफ्ट देके परफोरेटेड ड्रम के ऊपर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये जो फाइबर्स हैं ये सारे मोस्ट ऑफ द फाइबर स्ट्रेट होंगे, और ये परफोरेटेड ड्रम के ऊपर जब आएंगे तो ये ड्यू टू ड्रम रोटेशन के कारण इसमें ट्विस्ट पड़ने लगेगा, और यहाँ से जो फाइबर आ रहे होंगे वो उस जो यहाँ से जो यार्न निकल रहा था पहले वाले ड्राफ्टिंग सिस्टम से जो यार्न निकल रहा था उसके ऊपर गिरेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये कवर बना लेंगे, ये वाला जो फाइबर्स है वो कोर में चले जाएंगे, स्ट्रेट फाइबर है कोर में चले जाएंगे, और इसके ऊपर जो फ्रिक्शन असेंबली का या ओपनिंग रोलर असेंबली से जो ट्रांसपोर्ट होकर फाइबर आ रहे हैं ये कवरिंग बना लेंगे। तो ये कोर सीथ ऑफ स्ट्रक्चर टाइप का यार्न बन जाता है। जो कोर है, कोर इसको स्ट्रेंथ प्रदान करती है, और कवरिंग जो सरफेस प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करता है।
अब इस वाले स्ट्रक्चर में हम क्या, हमारे पास एडवांटेज है, हम इसमें ब्लेंडेड यार्न भी बना सकते हैं, कोर को डिफरेंट फाइबर ले सकते हैं, कवर को हम डिफरेंट फाइबर के हिसाब से ले सकते हैं। तो इसमें प्रोविजन दिया गया है कि हम मल्टी कंपोनेंट यार्न बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, और यार्न की प्रॉपर्टी भी इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि कोर में हमारा स्ट्रेट फाइबर है तो इसकी स्ट्रेंथ बेटर आएगी, जो कोर में स्ट्रेट फाइबर है वो कंट्रीब्यूट करेंगे डायरेक्टली स्ट्रेंथ में। तो फ्रिक्शन स्पन यार्न में सबसे हाईएस्ट स्ट्रेंथ ड्रेप थ्री यार्न की होती है, और इसकी स्पीड भी बहुत हाई है, 300 मीटर पर मिनट स्पीड से ये यार्न को मैनुफैक्चर कर सकती है। अब हम ड्रेप 2000 की बात करते हैं, ये बेसिकली ड्रेप सेकेंड का ही मॉडिफाइड वर्जन है, डॉक्टर फेरर ने इसे मॉडिफाई करके इसे बनाया हुआ था। इसमें ये भी क्या है, पहला पहला एक ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट है, ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट में स्लाइवर फीड किया जाता है, एक नंबर ड्राफ्टिंग है स्लाइवर फीड किया गया, फिर इसके बाद ओपनिंग रोलर है, ओपनिंग रोलर स्टार्क लॉक से रोलर है। इसमें क्या है, जब ये स्लाइवर जब फीड किया जाता है तो इसे प्रॉपरली इंडिविजुअल फाइबर में ओपन कर देता है, इसके ऊपर एक ब्लोअर लगाया हुआ है, जब ये घूम रहा है तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम कर रहा है, ब्लोअर क्या है असिस्ट कर देता है इस ओपनिंग रोलर से फाइबर बाहर निकालने के लिए, जो फाइबर इंडिविजुअलाइज हुए हैं वो यहाँ पे बाहर आ जाएंगे, फिर बाहर आ जाने के बाद ये क्लाउड के फॉर्म में, ये जो 4 नंबर हैं परफोरेटेड ड्रम्स हैं, परफोरेटेड ड्रम्स के ऊपर ये फाइबर जाके कलेक्ट हो जाएंगे, जब फाइबर कलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे जो 5 नंबर है वो सक्शन असेंबली है, जो सक्शन असेंबली है जो फाइबर के अंदर एयर होगी वो ऐसे खींच लेगी और जो फाइबर परफेक्टली कलेक्ट हो जाएंगे यार्न के ऊपर, और ये जो ड्रम है वो अपना ड्रम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, इसके ऊपर जो यार्न बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यार्न ट्विस्ट होते हुए रोटेट होगा, और फिर इसके बाद इसको हम विड्रॉल रोलर के माध्यम से खींच लेंगे, ये यहाँ पे विड्रॉल रोलर है और ये यार्न सीधा क्रॉस बाइंड हो जाएगा। ये वेल एस्टेब्लिश प्रोसेस है, करेंट में ड्रेप 2000 प्रोसेस रनिंग स्टेज में है, इसका लेटेस्ट वर्जन 3000 भी आ गया वो भी रनिंग में है और वेल नोन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। अब हम ड्रेप 2000 की स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, स्प्रिंग पोजीशन पर मशीन में क्या है, 6 से 64 है, जो स्पीड है 250 मीटर पर मिनट है, रॉ मटेरियल वूल बास्ट फाइबर सिंथेटिक या सेकेंडरी या बेस्ट मटेरियल कुछ भी हो सकता है, काउंट रेंज इसकी है 0.3 एनी से लेकर 14 एनी तक, और फीड स्टॉक है कार्ड स्लाइवर को हम फीड कर सकते हैं, यान पैकेज 8 kg तक का हो सकता है, यान टाइप है ओपन एंड यान है, बूल कर और यान करेक्टरिस्टिक्स क्या है, राउंड और इवन यान है, और बुलिन स्पन करेक्टर टाइप का यान बनता है इसमें, और इसका जो यूज है वो होम टेक्सटाइल में, कारपेट में, ब्लैंकेट में, रिसाइकल प्रोडक्ट में और टेक्निकल प्रोडक्ट में कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, हम वेस्ट की स्प्रिंग कर सकते हैं और बाद के जो कार्डिंग के बाद की प्रोसेस है वो हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो जो हमारी कॉस्ट है वो बहुत कम आती है। स्पेशल फीचर क्या है, ये फैंसी यान और फोर स्पन यान के लिए भी यूज की जा सकती है, ये हमने नीचे एक यूट्यूब लिंक दिया है, आप इसे खोल के इसका वीडियो देख सकते हैं, ड्रेप 2000 का और ड्रेप 3000 का। हम आते हैं नेक्स्ट मशीन पर, जो फ्लैट साइको लेवल का मास्टर स्पिनर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, इन्होंने एक ड्राफ्टिंग स्लाइवर को फीड किया हुआ है, यहाँ पे फीड किया हुआ है, यहाँ ये ओपनिंग रोलर्स हैं, 3 नंबर ओपनिंग रोलर्स हैं, सॉरी 3 नंबर अपना फीड रोलर है, फिर इसके बाद अपना 4 नंबर ओपनिंग रोलर है, ओपनिंग रोलर के बाद फिर हमारा ये सक्शन ड्रम है जो 5 और 6 नंबर सक्शन ड्रम है, फिर ये जो सक्शन ड्रम है क्या है, परफोरेटेड ड्रम है, ये बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, इनके ऊपर जो अपना फाइबर स्ट्रीम है ओपनिंग रोलर से आके इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट हो जा रही है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम 2 नंबर और 4 नंबर एक परफोरेटेड ट्यूब है जो परफोरेटेड ड्रम के ऊपर जो जो 6 नंबर परफोरेटेड ड्रम है उनके ऊपर फाइबर ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है। यहाँ पे परफोरेटेड ड्रम दोनों क्लॉक दोनों इस तरीके से घूमेंगे, ये परफोरेटेड ड्रम है, 6 नंबर परफोरेटेड ड्रम है, 7 नंबर सॉलिड ड्रम है, सॉलिड ड्रम असिस्ट करने का काम करता है, परफोरेटेड ड्रम क्या है एयर स्ट्रीम को सक्शन करने का काम करता है। तो ये दोनों ड्रम है क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, जो यान बनेगा वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन बनेगा, क्लॉक वाइज जो ट्विस्ट पड़ेगा जो तो यान में, फिर इसके बाद ये यान जाके यहाँ पे क्रॉस बाउंड पैकेज पे बाउंड हो जाएगा। तो इस हिसाब से अपनी ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्लेट फाइव को लेवल मास्टर की। अब इस मशीन में क्या है जो स्पेसिफिकेशन है पर मशीन पोजीशन से 144, डिलीवरी स्पीड है 150 से 300, और रॉ मटेरियल हम कॉटन सिंथेटिक फाइबर है, 40 mm की लेंथ के फाइबर को हम यूज कर सकते हैं। काउंट रेंज है अपनी 10 से लेकर 36, फीड स्टॉक डायफ्रेम फाइबर ओपन एंड यार्न विथ ट्रू ट्विस्ट है, और यार्न कैरेक्टरिस्टिक्स में अच्छी इवननेस है बट स्ट्रेंथ लो है। इसका यूज किस में किया जा सकता है, नेटिंग यार्न में, पायल यार्न में और बेल्ट यार्न में हम कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, लो प्रोडक्शन कॉस्ट है और ऑटोमेशन भी किया जा सकता है, लेस मूविंग पार्ट्स हैं। स्पेशल फीचर क्या है, डिलीवरी स्पीड यार्न की फाइननेस पे डिपेंड करेगी और यार्न की क्वालिटी में लिमिटेशंस रहेंगी, स्ट्रेंथ में अच्छी नहीं होगी। अब इस मशीन ये मशीन नॉर्मली लॉन्गर रन में सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि इसमें यार्न की स्ट्रेंथ है वो बहुत कम आती है और फाइबर की प्रॉपर्टी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता है, जिससे क्या है स्पिनिंग के रिजल्ट में इनकंसिस्टेंसी आती है। तो ये धीमे धीमे बैलेंस हो गई ये मशीन और करेंटली मार्केट में नहीं आती है। अब हम आते हैं फ्रिक्शन स्पिनिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, हाई डिलीवरी स्पीड है अप टू 300 मीटर पर मिनट तक है। अब हम यहाँ पे या तो कार्ड स्लाइबर यूज़ कर रहे हैं या ड्राफ्ट फ्रेम स्लाइबर यूज़ कर रहे हैं तो आगे की प्रोसेस नहीं है, तो इसकी लो प्रोडक्शन कॉस्ट है। अब हमारी जो रिवाइंडिंग है यहाँ पे डायरेक्टली हमारा क्रॉस बाइंडिंग पैकेज बन जाता है तो हमें रिवाइंडिंग की नीड नहीं है, और हाई स्पीड मशीन में उतनी ज़्यादा मतलब 300 मीटर पर मिनट के हिसाब से बाइंडिंग है तो इससे यान में ब्रेकेज भी कम होते हैं, और जो यान पर करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन स्पन यान की तरह है, एक्चुअली ट्रू ट्विस्ट पड़ रहा है और रैपिंग फाइबर नहीं है, डायरेक्टली ट्रू ट्विस्ट पड़ रहा है, और जो यान की इवननेस है वो अच्छी है, मतलब क्योंकि अपना जितना यान का स्पीड है उसी हिसाब से कंटिन्यूसली गवर्न है, जितना मास ओपनिंग है उसी हिसाब से गवर्निंग है, तो अपनी गुड इवननेस है और बेटर और सॉफ्टर हैंडल है रोटर यान के कंपेरिजन में, और यान का अपीयरेंस स्मूथ है। डिसएडवांटेज क्या है, अब इसमें क्या है जो अपने फाइबर इंडिविजुअलाइज हैं और फाइबर अपने हुक फॉर्म में भी हो सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली ड्रम के ऊपर फाइबर का कलेक्शन है, तो फाइबर का अलाइनमेंट यान की लेंथ डायरेक्शन में नहीं है, इस वजह से कई फाइबर ऐसे हैं जो यान की स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट नहीं करते, इसलिए यान की स्ट्रेंथ लो आती है, और इसमें स्नार्लिंग की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, और फाइबर हमें क्रॉस सेक्शन में ज़्यादा चाहिए। हमने पहले ही बताया था कि जो अपना जो यार्न में ट्विस्ट पड़ता है वो बेसिकली फ्रिक्शन ड्रम के कांटेक्ट के कारण पड़ता है, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ही बेटर इफिशियंसी होगी ट्विस्ट कन्वर्जन में, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया यार्न का होगा उतना ही बेटर ट्विस्ट पड़ेंगे, तो इसलिए मोटा यार्न नहीं हम बना सकते हैं, इसलिए नंबर ऑफ फाइबर इसके क्रॉस सेक्शन में ज़्यादा चाहिए। अब एक्चुअली स्पिनिंग कंडीशंस को कांस्टेंट रखना इसमें प्रोसेस में मुश्किल है, एयर कंजम्पशन भी हाई है क्योंकि सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन सारा एयर के माध्यम से ही है, और अब इसमें क्या है इनपरफेक्शंस जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते हैं वैसे वैसे यान में अनइवननेस और इनपरफेक्शन बढ़ता जाता है, और अल्टीमेटली यान की भी स्ट्रेंथ रिड्यूस होती जाती है, तो हम एक लिमिट से ज़्यादा हम स्पीड नहीं बढ़ा सकते, तो ये डिसएडवांटेज है। थैंक्स, फ्रिक्शन स्पिनिंग आज हमारा यहीं कंप्लीट होता है, कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।